हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आवर थर्ड पार्ट ऑफ लेसन टू द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान द पैराग्राफ नंबर 5. स्टार्ट रीडिंग विथ मी. द यंग बॉय टुक अ म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. तो बहुत छोटी सी एज के अंदर तो जो छोटे से बच्चे ने म्यूजिक शुरू कर दिया था. एट द एज ऑफ 13, तो जब 13 साल की उम्र में When his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. तो 13 साल के 3 years की एज में उसकी मम्मी ने उसके भाई means उसके मामा बिस्मिल्ला खान के मामा के घर उनको भेज दिया था बनारस में, जिसको अब हम अभी उनको वाराणसी बोलते हैं. बिस्मिल्ला was fascinated watching his uncle's प्रैक्टिस द सहनाई. तो फैसिनेटेड मीन्स आकर्षण हुआ जब उसके मामा शहनाई बजाते थे. सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्द ही उन्होंने अपने अंकल के साथ शहनाई बजाना शुरू कर दिया था. अली बख्स उनके मामा का नाम था. टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेर बख्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे एम्प्लॉयड मतलब नौकरी मिली थी उनको शहनाई बजाने की विष्णु के मंदिर के अंदर. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू ऑन एंड. तो अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और वो वहाँ पे एकांत में घंटों तक एंड तक सुना करते थे. स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. फिर उन्होंने शुरुआत कर दिया इंस्ट्रूमेंट बजाने के लेसन सीखना शुरू कर दिया और प्रैक्टिस करते थे पूरे दिन. थ्रू आउट मतलब पूरा दिन वो अभ्यास करते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. तो सालों तक उन्होंने बालाजी और मंगला मैया जो कि गंगा नदी के किनारे आए थे हुए थे, उन्होंने अप्रेंटिस मतलब शिष्य बनकर वहाँ पे शुरुआत कर दी. और उनका जो फेवरेट हंट्स वो क्या हुआ था, एकांत में उसकी प्रैक्टिस करना था. सॉलिट्यूड मतलब एकांत. द फ्लोइंग वाटर्स द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूवाइज एंड इन्वेंट रागस दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई. तो जो गंगा नदी का जो लहरें थी, तो वो लहरें से उन्होंने इम्प्रूव कर दिए और कई तरह के राग उन्होंने बनाने शुरू कर दिए शहनाई में के अंदर. पैराग्राफ नंबर 6. एट द एज ऑफ 14, तो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला एकम्पनीड हिज अंकल टू अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. तो अलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साथ दिया था अपने मामा का. एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, और डे के जब ये प्रोग्राम का जब एंड हुआ था, उस्ताद फैयाज खान पेटेड मतलब पीठ थपथपाना, फैजाद खान ने पीठ थपथपाई द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उनकी पीठ थपथपाई छोटे से बच्चे को और बोला वर्क हार्ड, ज़्यादा अभ्यास करो, यू शैल मेक इट, तुम ये करके दिखाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, तो जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई इन लखनऊ इन 1938 में लखनऊ के अंदर, कैम बिस्मिल्लास बिग ब्रेक. तो वहाँ पे उनको बहुत बड़ा मौका मिला, बिग ब्रेक मतलब उनको मौका मिला गाने का. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. तो वो उन्होंने बजाना शुरू कर दिया और सुनना शुरू कर दिया सब लोगों ने रेडियो के ऊपर शहनाई को. 7 पैराग्राफ
When India gained independence on 15th August 1947, तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन. बिस्मिल्ला खान इंडिया के पहले म्यूजिशियन है टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई, के वहाँ पे उनको शहनाई बजाने का मौका मिला नेशन के अंदर. ही पोअर्ड हिज हार्ट आउट इन टू राग काफ़ी फ्रॉम रेड फोर्ट टू ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो उस दिन 15 अगस्त 1947 के अंदर लाल किले के अंदर बहुत सारे ऑडियंस थे, दर्शक थे, उनमें से पंडित जवाहरलाल भी, नेहरू भी शामिल थे. तो वहाँ पे उन्होंने राग काफ़ी बजाया. हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच. फिर उन्होंने उनका नाम लिया था जिस जो कि स्पीच दे रहे थे नेहरू जी, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, तो उसमें उनके बखान हुए थे. 8. बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड. तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बट विदेश के अंदर भी उन्होंने यादगार परफॉर्मेंस दी थी. मेमोरेबल मतलब यादगार. हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज अफगानिस्तान. तो उनकी जो पहली ट्रिप थी भारत से बाहर वो अफगानिस्तान में हुई थी. वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स. तो वहाँ पे उनके जो शाह थे, किंग थे ज़ाहिर शाह, उन्होंने बहुत बहुत ही कीमती गिफ्ट उनको दी थी, पर्शियन कारपेट और उसके साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको दी थी संगीत के लिए उनके. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लास म्यूज़िक. तो ये जो किंग थे अफगानिस्तान के, वो अकेले ही इनसे अफेक्टेड नहीं हुए थे, मतलब जो फैसिनेटेड होता है, आकर्षित नहीं हुए थे, उनके तरह बहुत सारे लोग उनके म्यूज़िक से आकर्षित हुए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्लेड फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. तो जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी बहुत इम्प्रेस हुए थे उन बिस्मिल्ला खान जब फेस्टिवल में ये बजा रहे थे, तब सुनकर उन्होंने शहनाई के ऊपर एक फिल्म बना दी जिसका नाम था पिक्चर का गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट, बहुत ही पिक्चर हिट हुई थी एंड वन ऑफ द बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशन, और उनके बेहतरीन कंपोजिशन में से एक दिल का खिलौना हाय टूट गया, उन्होंने इस पे जो संगीत बजाया था टर्नड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बूस्टर. तो दुनिया पूरे नेशन के अंदर सब जगह उसको वो सुनाई हुई, सब लोगों ने उनको ये गाना सुना था. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, तो इनके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ मतलब इसके बावजूद, इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बावजूद भी वर्ल्ड के अंदर बिस्मिल्ला खान्स वेंचर्स इन अ फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू टू. उन्होंने फिल्म जगत में सिर्फ दो ही मूवी में अपना संगीत दिया था, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर सांधी अपना. तो ये जो दो फिल्म थी सिर्फ उनके लिमिट में ही वो उन्होंने अपना म्यूज़िक दिया था. आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस. तो उन्होंने भारपूर्वक एम्फेसिस मतलब भारपूर्वक ये बात बताई कि जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है फिल्म का, फिल्म जगत में, उसमें वो ज़्यादा काम करने में इंटरेस्ट नहीं देते थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था. पैराग्राफ नंबर 9. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैम थिक एंड फास्ट. तो बहुत सारे अवार्ड्स और नाम
उन्होंने सब जगह पे फैला दिया था दूर दूर तक. बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो बिस्मिल्ला खान ऐसे व्यक्ति थे भारत के जिनको यूनाइटेड स्टेट के में, जो यूएसए में है अमेरिका के अंदर, तो लिंकन सेंट्रल में जो बहुत ही प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित लिंकन जो सेंट्रल हॉल है उनको न्योता भेजा गया था. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल. फिर उन्होंने मॉन्ट्रियल के अंदर जो वर्ल्ड के सब म्यूजिशियन जो बेस्ट होते हैं परफॉर्म करने का मौका मिलते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने उनको पार्ट का मौका मिला. इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, तो ये दोनों जगह पे उनको मौका दिया गया था. सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एंड ऑडिटोरियम इन द थेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम ताहर मौस्की उस्ताद बिस्मिल्ला खान. तो ये प्रसंगों के बाद बहुत फेमस हो जाने के बाद इंटरनेशनली, सिर्फ नेशनली नहीं मतलब वैश्विक ऑडिटोरियम उसके दर्शक हुआ करते थे. तो उसमें से थेहरान वॉज, तो जो थेहरान थे तो उन्होंने उनका नाम दिया, उनका नाम नया रखा गया था ताहर मौस्की उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ऐसा उसका नाम दिया गया. पैराग्राफ 10. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेर कॉन्फर्ड ऑन हिम. तो ये तीनों जो अवार्ड्स थे भारत के मेन, वो तीनों उनके दिए गए थे. इन 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. तो 2001 के अंदर जो हाईएस्ट अवार्ड होता है अपने भारत का नागरिकता का, तो वो उनको दिया गया और उस अवार्ड का नाम था भारत रत्न. विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. तो उनको जब भारत रत्न दिया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उनके शोल्डर पे लगाया गया था, तो उस समय की बात है जब उनकी आंखें चमक रही थी विथ रेयर हैप्पीनेस, मतलब ज़्यादा खुशी के मारे वो उछल कूद नहीं गिरे. जैसे कि अपने को ये अवार्ड मिले तो अपने लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वही होती है, बट उनके फेस से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतने खुश थे. और उन्होंने यही बताया उस फंक्शन के अंदर कि आपके बच्चों को भी जो हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन है, जो भारतीय सबसे बड़ी ट्रेडिशन परंपरा है जो हमारे पास है, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक, जो कि वेस्ट कंट्री के लोग भी हमारे म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं, तो वो अपने बच्चों को सिखाए. हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपने भारतीय रिचेस्ट ट्रेडिशन जो है वो हमारे सभ्यता, वो बच्चों को सिखाई जाए, क्योंकि वेस्ट जो कंट्री थे अब वो लोग भी हमारी परंपरा से, मतलब जो हमारा म्यूज़िक है उन्होंने भी सीखना शुरू कर दिया है, तो आपके बच्चे अब जो यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको भी सिखाया जाए. पैराग्राफ नंबर 12. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराउन एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सब होने के बावजूद भी, इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी उनको फाउंड मतलब शौकीन थे अपने बनारस और डुमराउन, क्योंकि वर्ल्ड के जो भी टाउन है उसमें से उनके लिए ये सबसे वंडरफुल टाउन थे. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए. तो उनका एक शिष्य था, उन्होंने उनको ऑफर दी थी यूएसए के अंदर, हम ये शहनाई की स्कूल शुरू करते हैं. एंड द स्टूडेंट्स प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देर. तो उन्होंने प्रॉमिस भी की थी कि जो यहाँ पे मंदिरों में है, तो जहाँ पे जो जो ट्रेडिशन यहाँ पे चल रही है, तो वहाँ पे भी
ऐसा ही हम शुरू कर देंगे, ऐसा एक माहौल खड़ा कर देंगे। बट खान साहब आस्क रहीम, उन्होंने ये बोला, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं गंगा से यहाँ से बाहर जाऊँगा। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, तो उन्होंने जब ये बोला कि जब मैं गंगा नदी को छोड़ के कहीं फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मेरी तीव्र इच्छा सिर्फ एक ही होती है कि मैं हिंदुस्तान वापस चला जाऊँ। वाइल इन मुंबई, मुंबई के अंदर भी आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मुझे सिर्फ बनारस और जो पवित्र गंगा है वो ही दिखाई देता, मैं उनके बारे में ही सोचता रहता हूँ और मुझे कुछ सूझता नहीं है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरौन, और मैं जब बनारस में होता हूँ तो डुमरौन के अंदर जो मट्ठा है, तो वो मुझे यूनिक मट्ठा है, वो उसको मैं मिस करता हूँ। पैराग्राफ नंबर 13, उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो बिस्मिल्ला की जो लाइफ है वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, रिच मीन्स समृद्ध कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो उसका ये एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है। ऑन दैट एफर्टलेसली, तो अथाग एक्सेप्ट दैट डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि वो एक मुस्लिम थे फिर भी वो रोज सुबह काशी विश्वनाथ जो मंदिर है बनारस के अंदर, उनको वहाँ पे नेचुरली वो वहाँ पे बजाया करते थे सुबह सुबह। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान का देहांत 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में, बहुत बीमार तो थे बहुत समय से, तो उस दिन उनका हुआ था निधन। ही वॉज गिवन अ सैल्यूट फनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, तो उस दिन उनका जो फनरल मतलब जो हम दफनाने का जो काम होता है वो वहाँ पे सारी पूरी गवर्नमेंट ने उस दिन सुबह में उनकी हाजिरी लगाई थी, तो उस दिन उनको छुट्टी दी गई थी। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।